सुबह का 10 बज रहा है और हम लोग चेकआउट कर रहे हैं फिलहाल यहाँ दीघा से। चलिए चले दीघा से निकल रहे हैं। निकल के अभी नीचे नाश्ता वास्ता करके फिर आगे का डिसाइड करेंगे क्या करना है, किधर जाना है। होटल के रिसेप्शन पर रखे एक्वेरियम को देखने में बच्चे व्यस्त हैं, तब तक चेकआउट का फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेते हैं। साथ ही साथ जल्दी जल्दी में हमने नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया। दीघा से निकलने वाले ही थे कि बच्चों को बीच के पास डॉल्फिन को देखने का मन हो गया। नारियल फेंक दिया अंदर। ये क्या, ये असली डॉल्फिन है क्या? हाँ ये देखो आंख बंद कर रहा है। डॉल्फिन को बाय बोलकर हम लोग सभी गाड़ी में बैठ गए हैं। हमारी जर्नी नेक्स्ट लोकेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी है, पर मंदारमणि विजिट से पहले वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित उदयपुर बीच पहले हम जाएंगे। यहाँ टोपी देख रहे हैं, देखते कौन सा टोपी अच्छा लग रहा है। बोल ले मगर एक ही बार पहनना होगा तो दूसरा यूज तो होगा नहीं। ভালো দেখে যাও না, যেটা সবসময় পড়তে পারবো। यहाँ 100 रुपए में एक कैप ले लिया। चलिए पास के स्टॉल पर सनग्लासेस देखते हैं। आजकल ये व्हाइट वाला बहुत चल रहा है, व्हाइट वाला। ये 2 सनग्लासेस लिए हैं, एक ब्लैक वाला जो पहले देखे और ये वाला दूसरा है, ये थोड़ा ब्राउनिश में है। कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। ये एक टोपी कैप भी लिया है, ग्लास भी लिया है। यहाँ पे सौरे को नारियल पानी चाहिए, हम लोग नारियल पानी पीने आए हैं यहाँ पे। मीठा है नारियल भी अंदर। अंदर नारियल भी अच्छा खासा हो गया है, उसको निकलवा लेते हैं। हाफ तो लेकर सॉरी ही बैठ गया खाने के लिए। मजा आ गया, अब उसको तुम पानी भी पिएगा वैसे करके। दीघा का सी बीच और इस जगह के सी बीच का लोकेशन में बहुत डिफरेंस है। दीघा का सी बीच दिखता है जैसे पानी ऐसे नीचे की तरफ स्लोप है, मगर यहाँ देख के लगता है जैसे पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पे है लोकेशन। यहाँ देख के लगता है जैसे पानी ऊपर से आ रहा है। ये लोकेशन मेनली उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग एंजॉय करने आए हैं, पार्टी करने आए हैं। यहाँ पे फिश का बहुत वैरायटीज है। यहाँ पे इमीडिएटली आपको तल के फिश सर्व किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, फूड आइटम्स हैं और स्नैक्स हैं, और साथ में आप एकदम समुद्र के किनारे बैठ के पूरा इंजॉय कर सकते हैं। एक तरफ गाना भी बज रहा है, मस्ती भी हो रहा है, और जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय भी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। टेस्ट करने के लिए एक प्रॉन का आइटम हम भी यहाँ बनवा रहे हैं, पर तभी भैया के टैटू पर हमारी नज़र गई। सुंदर बनवा रखा है, हमारा ऑर्डर आ चुका है। चलिए अब टेस्ट किया जाए।
अच्छा है। हम लोग यहाँ पे बैठे थे उस टाइम पे यहाँ पानी नहीं था, अभी देखिए पानी यहाँ तक पहुँच जा रहा है, बड़े बड़े लहर जो आ रहे हैं वो पानी यहाँ तक आ जा रहा है। अब उदयपुर को छोड़कर मंदारमणि की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया था, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदारमणि बीच पे हैं और मैं अभी बीच के तरफ ही वॉक करके जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बांध भी अच्छा है और ये देख सकते हैं डॉल्फिन वगैरह यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉल्फिन बने हुए हैं, जिसमें सुंदर एनवायरनमेंट को बनाया हुआ है। लोकेशन को सजाया गया अच्छे से, लोकेशन को सजाया गया अच्छे से। ये रहा बीच, अभी हम लोग उतरेंगे बीच में। तो बीच में जाने के पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे और भी कुछ जगह है जहाँ पे बैठा जा सकता है। यहाँ ये बैठने का स्पेस है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हमारे वेस्ट बंगाल पुलिस के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। और भी स्पेसेस है, यहाँ पे पार्किंग जोन बना हुआ है, हमने गाड़ी अपना यहीं पे पार्क किया है। हमारे इस टूर का बहुत सारा श्रेय जाता है बासु भैया को और सोनू भैया को। मैं इन दोनों का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोग कहीं भी टूर ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं तो कैब के लिए इनसे बात कर सकते हैं। जरूर जरूर, बासु कैब सर्विस एंड सोनू कैब सर्विस। हाँ चलिए, लेट्स गो टू द वाटर। यहाँ का वेव इतना वाइल्ड नहीं है मगर अच्छा है, दीघा से तो अच्छा है, थोड़ा साफ सुथरा है, कम क्राउडेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी कम है, वहाँ पे ज्यादा क्राउडेड था। अच्छा बड़ा वाला था, बड़ा वाला। ये पूरा शांत हो गया, गया कहाँ? वेर इज द वेव, वेर इज द वेव, वेव गया कहाँ? ये कहाँ रहा लगता है, एक बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा, ये आ रहा है, आ रहा है, ये बनेगा, ये लगता है बनेगा। हाँ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ये आ गया। दीघा में हिम्मत नहीं था कि कैमरा को लेके पानी में जाता, बट यहाँ पे पानी में हम लोग ला सकते हैं, यहाँ का उतना वाइल्ड नहीं है वेव, तो हिम्मत करके लेके आए हैं। हमारे दीघा और मंदारमणि ट्रिप के पार्ट वन और पार्ट टू जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं।
बच्चों के साथ इतना मस्ती तो दीघा में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों को पानी में ले जाना थोड़ा रिस्की है, पर यहाँ वो तो खुद ही नहीं मान रहे हैं, खुद से पानी में दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं और किसी की सुन भी नहीं रहे। मंदारमनी सी बीच पर स्नान के बाद बीच के सामने ही स्थित एक सुंदर सा मंदिर है, उसका दर्शन करते हैं। देखकर तो लगता है ये दुर्गा मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। बीच में देवी दुर्गा सिंह पर सवार और दोनों तरफ सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश, इनके मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चूरा पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों स्थापित दिख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा मार्केट घूमा जाए। मार्केट घूमते घूमते मन भी थोड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि इस ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन मंदारमनी को गुड बाय कहने का समय आ गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री टाइम में दीघा मंदारमनी का टूर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी यहाँ से निकलते हैं, आपसे अगले वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।